आइए, स्वागत है आपका। वाह क्या बात है, तालियां मथुरा के लिए। एक अकेले हैं आप जिन्होंने सही जवाब दिया। सबसे अच्छी बात हमको लगी कि आपने चरण स्पर्श कर लिया अपने माता पिता। सर वो माता पिता सबसे बड़े शिक्षक होते हैं हमारे। बिल्कुल और सही वही मतलब हमारा पूरा संसार है सर। बहुत अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी रहता है सर। इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे आगे खेल में। यस सर। है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो देवी संजो मेरे सामने फैमिली स्पेशल वीक की पहली फैमिली जो है इस हॉट सोफा पर विराजमान हो चुकी है। अभी तो यहाँ हॉट सीट होती थी, अब हॉट सीट का भी परिवार जो है वो बढ़ गया है, इसलिए ये हॉट सीट हॉट सोफा बन गया है ताकि पूरा परिवार जो है इसमें समा सके। ठीक है, ऑलराइट। और ये हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से और इनका शीर्षक है सम्राट मौर्यस। और आते ही आपने बहुत जोर से अपना ऐलान किया, वो क्या था भाई साहब, सुनाइए फिर से। निगर में ही जान है, मौर हमारी पहचान है। क्या बात है, बाबा। आपने कैसे सोचा कि आपका नाम जो है वो होना चाहिए सम्राट मौर्य? सर हमारा जो सरनेम है वो मौर्य है। हाँ। और मौर्यन डायनेस्टी हमारी एंशिएंट इंडिया की एक बहुत रूलिंग डायनेस्टी रही है। बिल्कुल। तो हम भी केबीसी पे रूल करने आए, सो वी आर सम्राट मौर्य। अच्छा, क्या बात है। और सर एक फैक्ट और, हमारे डायनेस्टी के सब बहुत एक महान रूलर थे अशोका जी, जी। सम्राट अशोक। तो मेरे फादर का नाम भी अशोक मौर्य ही है। तो फादर ने कहा कि व्हाई डोंट वी चूज सम्राट मौर्य। बहुत अच्छा चुना आपने। तो आपकी टीम का कैप्टन कौन है? आप हैं? हाँ, यस सर, मैं प्रियंका। अच्छा, प्रियंका जी आप कैप्टन है। ओके, परिचय देंगे आप अपनी टीम? हाँ, का जी। मैं प्रियंका मौर्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ केबीसी में अपने माता और पिता के साथ हूँ। ये मेरे पापा अशोक कुमार मौर्य और मेरी माँ वीना मौर्य। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले फैमिली वीक के पहले कंटेस्टेंट्स हैं। यस सर। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। अशोक जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं सर रिटायर्ड प्राचार्य हूँ, शिक्षा विभाग में मैं कार्यरत था, मुझे रिटायर हुए 5 महीने हुए हैं। क्या क्या पढ़ाते थे आप? सर मैं मैथ्स का टीचर हूँ सर, मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। गए काम से आज फिर। सर कितने लोग इधर आते हैं और मैथ पढ़ाते हैं? सर हम हमारे मन में बड़ी श्रद्धा हो गई आपके लिए क्योंकि आप मैथ पढ़ाते हैं, हम लोग बहुत कमजोर हैं। और मैथमेटिक्स जो है सर बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है और आप उसमें गुणी हैं, तो आपको हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और बिना जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं एक हाउस मेकर हूँ। जी जी। और प्रियंका जी आप? सर मैं एमएससी कर रही हूँ अभी जूलॉजी से। ओके, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। तो बीना जी आपने कहा था कि आप बिजी रहती हैं घर में परिवार की देखरेख करने के लिए। जी सर। ये जो आपके जो दोनों बगल में बैठे हैं, एक चैंपियन है एक शिक्षक है, इनकी मदद नहीं आती है क्या घर में? कुछ नहीं सर। हे भगवान। बिल्कुल नहीं, इनको केवल रोटी बनाने आता है उनको, अभी वो कुछ नहीं करते। अभी फिलहाल रिटायर हो गए तो कुछ नहीं करते। सर ऐसा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो इनको किचन का कुछ पता ही नहीं था कि किचन में होता क्या है, तो मैं और मेरे भाई ने मिल करके इनको खाना बनाना सिखाए। तो हमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, अब क्या करें, अब तो सब कुछ तो कर दिए पहले। देखिए ये बात भी सही है, एक बार सिखा दिया फिर उसके बाद भूल गए क्या है उसमें। ऑलराइट, बार बार आप सर ये प्रूव कर रहे हैं कि आप कितने बढ़िया शिक्षक हैं। थैंक यू। क्या बात है सर। सर पर मैथ्स के टीचर और मुझे मैथ्स से सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ, सबको बहुत डर लगता है। ऐसी नहीं सर, नहीं। वो एक्चुअली मैथ्स का तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। सर ये मैथ्स का फुल फॉर्म है मेरे लिए, MATHS, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। हे भगवान। और पापा से डांट भी पड़ती है कि ये क्या बना के रखा है। अच्छा, हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि पहली बार हमने सुना कि ये मैथ का मतलब होता क्या है। अच्छा, ये बहुत अच्छा दिया आपने एक आइडिया। क्यों नहीं, सही में। सर अब मान लीजिए कि आप किसी से मिले। यस सर। और ऐसे ही बोल रहे हैं। यस सर।
कि आपकी मुलाकात हो गई, माता पिता बैठे कोई परवाह नहीं, मुलाकात हो गई जिससे आपका संबंध जो है वो जुड़ रहा है। yes, sir. और वो जिनसे जुड़ने वाला है। yes, sir. वो आपको लगा कि नहीं है ठीक नहीं, तो आप बोले जा तू तो बिल्कुल मैथ्स है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं ना, जा तू बिल्कुल मैथ है। क्या बताए देवी जी आपको कैप्टन। तो देवी और सज्जनों मेरे सामने हॉट सोफा पर, और सिर्फ बोलते तो हॉट सोफा हो गया है, आ चुके हैं चमत्कारी चट्टोपाध्याय। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और यहाँ पर आकर के ये अपना चमत्कार जो है ये दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को, थैंक यू, पूरे परिवार को एक बार फिर जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो ये जो हॉट सोफा है इस पर बैठ करके आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। ये तो मतलब सोच के बाहर था। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि इतना साल से ट्राई करे, तो हम एक स्टोरी बताना चाहते हैं। 2000 में केबीसी चालू हुआ था, हम तो 17 साल के थे, तो हम एक रास्ता से जाते थे, ट्यूशन से आते थे, हर घर में सर एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन आपका वॉइस सुनाई देता था, हर घर में। और तब से हम ट्राई कर रहे हैं, हम सिंगल ट्राई करते थे, कभी मेरा सेकंड कॉल नहीं आया। लेकिन ये जो मेरा लेडी लक है, इस बार हम लोग फैमिली में किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और हम लोग तीनों एक साथ आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस टीम का कैप्टन कौन है? अपने परिवार का आप कैप्टन साहब कुछ परिचय दे दीजिए। हाँ, तो हम, मेरा नाम ध्रुव रूप है, हम कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशनली, और अभी काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं, और साथ में मेरा वाइफ है, उनका नाम है सुनील मला जी, वो भी अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, उनका खुद का बिजनेस है, और मम्मी जी है। मम्मी, तीनों बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, है कि नहीं? तो ये बहुत ही प्रख्यात सदस्य हैं आपके चट्टोपाध्याय परिवार में, जो यहाँ नहीं आ सके। हाँ। तो उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप वो जो मैसेज भेजा है वो सुन लें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय एबी सर, मेरा नाम अद्रिजा चट्टोपाध्याय है, मैं इस फैमिली की मेन मेंबर हूँ। अब मैं मेरे पापा के बारे में कुछ पोल खोलने वाली हूँ। मेरे पापा दिन भर खाते रहते हैं, और मैं जब सोती हूँ तब वो मेरा गाल पकड़कर मुझे नींद से उठा देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बताइए, बच्चे जो होते हैं ना एकदम सत्य बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आप दिन भर खाते ही रहते हैं, सच है क्या? ये सच्ची है। सबसे बड़ा क्या होता है कि उनका जो भी आइटम्स आते हैं, कि चॉकलेट्स आए, जितना और... इनका खुद का खाना खाता नहीं, उसका चॉकलेट आ जाता तो वही ले लेते। सर सुनिए, लॉलीपॉप भी नहीं छोड़ा। एक दिन वो उसका लॉलीपॉप का पैकेट था, ये कुछ रात में देख रहे थे क्रिकेट, सुबह वो पूछे मेरा लॉलीपॉप कहाँ है, तो हम समझ गए इसने खा लिया। अब बोलते हैं मम्मी मेरा स्नैक संभाल के रखो, पापा नहीं खाना चाहिए। एक बात बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक बंगाली परिवार का उदाहरण है, बहुत बढ़िया। बस सही, केवल महिलाओं की आवाज आती है और किसी। है कि नहीं? जब से बैठे हैं भाई साहब कप्तान साहब, सर आप अपनी कप्तानी छोड़ दीजिए, आप एक्सपीरियंस से बता। इधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, इधर से कुछ होता है तो इधर पट करके इधर से आती है। सर यूनिक है आपका परिवार। मेरा हालत सोचिए, आप दो यहाँ वहाँ एक वीडियो में देखे।